नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में रुद्रपुर कोतवाली थाना अंतर्गत फतेहपुर के लेहड़ा टोला में नरसंहार हत्याकांड हुआ, जिसमें 6 व्यक्तियों की हत्या हो गई थी। एक पक्ष से एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष के 5 व्यक्तियों की हत्या की वजह से जिला प्रशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन में भी हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अविलंब इस घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रमुख सचिव लॉ एंड ऑर्डर एवं एडीजी स्पेशल उत्तर प्रदेश को घटनास्थल पर भेजा। प्रमुख सचिव एवं एडीजी उत्तर प्रदेश ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बताया कि भूमि विवाद को लेकर यह रंजिश काफी दिनों से चली आ रही थी, जिसके कारण कितनी बड़ी घटना घटी लेकिन इसमें जो भी लोग शामिल हैं वह किसी भी हालत में बक्से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। शासन के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक पक्ष के 5 लोगों की और दूसरे तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सुबह यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई है। घटना स्थल पे हम लोग खड़े हैं यहाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और स्पेशल डीजी साहब हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले एक घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। घटना के क्या कारण है, क्या इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से सुबह ये ट्रिगर हुआ, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। अभी चूंकि दोनों पक्ष के एक परिवार के तो लगभग सभी लोगों की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है, उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को, और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।